अजमेर आपको लिए चलते हैं, भाजीमू का वहां पर हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कह रहे हैं आप सुनिए। वो भी उनसे सबसे कहूंगा वो अपना एहसान ग्रहण करें। भैया आप लोग जितेश आप जाओ पीछे, सबको लेके जाओ पीछे जाओ, वहां अपना एहसान ग्रहण करें सब लोग। यहाँ जो खड़े हैं सब लोग जितेश सबको लेके जाओ पीछे जाओ, सब पीछे जाओ। और मेरा हाथ जोड़कर विनती है जो पीछे कार्यकर्ता खड़े हैं वो सभी अपना स्थान ग्रहण करें, पीछे वाले सारे कार्यकर्ता। एक बार मेरा सभी मीडिया बंधु से आग्रह है कि आपकी व्यवस्था यहाँ पे नीचे की ओर टेबल लगा के की गई हुई है, मेरा आप सभी से आग्रह है नीचे बैठ जाए। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी भाई साहब के स्वागत के लिए, मैं हमारे अजमेर के अध्यक्ष रमेश जी सोनी जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वे आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी भाई साहब का स्वागत करें। आदरणीय रमेश जी सोनी और हमारे प्रदेश के महामंत्री सतवीर सिंह जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य जी के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अंकित जी गुर्जर से आग्रह करूंगा कि वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य जी का दुपट्टा साफा पहनाकर पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत सम्मान करें। एक बार सभी लोग जोर से नारा लगाएं, भारत माता की, युवा मोर्चा जिंदाबाद। हमारे युवा मोर्चा, तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भाजीमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पहुंच चुके हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनकी भी मौजूदगी है। शुभम जैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शुभम, अब ये माने हम क्योंकि सभी दिग्गज से पहुंच चुके हैं तो अब ये जो सभा यहाँ पर जो रखी गई है इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद कूच किया जाएगा आरपीएससी तक। जी बिल्कुल, जो सभा की अगर बात करें तो सभा पिछले एक घंटे से चालू हो चुकी है, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय युवा मोर्चा के जो वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भाजपा के वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और भाजपा युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अंकित चेची वो भी यहाँ पे मंच पर मौजूद है। अब तीनों ही प्रदेश अध्यक्ष, दो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षों के उद्बोधन होने के बाद तुरंत यहाँ से जो कुछ है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय की तरफ किया जाएगा। काफी संख्या में जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पहुंचने के साथ ही जो सभा के अंदर उनका जोश देखने को वो काफी ज्यादा है, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के मामले जो थे आरपीएससी को लेकर के आ रहे थे, पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही थी, उन्हीं का विरोध करने के लिए आज आरपीएससी का महाघेराव यहाँ पर रखा गया है और मान सकते हैं कि 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ पर सभा समाप्त होगी, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के लिए पहुंचेंगे जहाँ पर महाघेराव किया जाएगा। लेकिन महाघेराव की तैयारी है शुभम, आप बता रहे जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।